हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। भाई लोगों, अगर आपके फ़ोन के फेसबुक अकाउंट के ऊपर चेक योर नोटिफिकेशंस ऑन अदर डिवाइस का प्रॉब्लम आ चुका है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हो, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन जो है, वो अब अप्रूवल नहीं हो पा रही है, या मान लो आपका जो कोड है, वेरिफिकेशन कोड है, वो भी आपको रिसीव नहीं हो पा रहा है, या मान लो आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपका भाई आपको इसको सॉल्व करके दिखाएगा। और यकीनन दोस्तों, बिना मैसेजेस के दोस्तों आप लोग इसको क्रॉस कर सकते हो, यानी कि आपको एसएमएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्राई अदर यहां पर आप क्लिक करते हो, ट्राई अदर यहां पर आपको ट्राई अदर अवे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अवे का, तो इस पर भी क्लिक करते हो, वहां पर आपको कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर दोस्तों आप उसको फिर भी रिसीव नहीं कर पाते हो या आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। सो यहां पर आपको भी बताया जा रहा है कि भाई आप चेक करो आपकी नोटिफिकेशन को, कि आपको अदर डिवाइस का कोई भी मतलब नोटिफिकेशन आया, उस पर क्लिक करके आप इसको अप्रूवल कर सकते हो, लेकिन तब भी हमें यह ऑप्शन कंटिन्यू लॉगिन का ऑप्शन नहीं देखने मिलता। ये मान लो दोस्तों, यहां पर आपके दूसरे फोन के ऊपर यह अकाउंट था, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आए, उसको आप क्लिक करो, यस कर दो, यहां से अप्रूवल हो जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा आपके पास लॉग आउट हो गया था और आपका कहीं पर भी यह अकाउंट लॉग इन नहीं है, तब दोस्तों आपके पास यह प्रॉब्लम आ जाए और वहां से आप ना उसको अप्रूवल कर सकती हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो आपको जस्ट करना इतना ही होगा कि यहां से जो फेसबुक आप यूज कर रहे हो, यहां से आपने आ जाना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों आपने जस्ट करना क्या है कि अपने दोस्त की या अपने भाई की या अपने भाई का मोबाइल आपने लेना है, उसमें जो फेसबुक आईडी बनी हुई है आपने उसको ओपन करना है। अब मेरे पास ये दूसरा अकाउंट मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं तीन लाइंस के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर दोस्तों सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर मीटा का ऑप्शन आ जाएगा, अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद मुझे आ जाना है नीचे, यहां पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे और यहां पर दोस्तों आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपकी दो प्रोफाइल्स होंगी, या तीन होगी, या चार होगी, या एक होगी, आपने सिर्फ फेसबुक वाली ही सिलेक्ट करनी है और आपने ये दूसरा अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। यहां पर यानी कि आपने दोस्त का लिया, भाई का लिया, जो भी आपने वो लॉग इन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके पास ये पेज आ जाएगा। अब जैसे ही आएगा ऑथेंटिकेशन ऐप पर क्लिक होगा, लेकिन आपने टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर क्लिक करके एसएमएस के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास अगला इंटरफेस आएगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर दोस्तों थोड़ी सी लोडिंग होती है, यहां पर हमारा इंटरनेट हालांकि स्पीड भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन तब भी हमारे पास ये थोड़ा सा जो है यहां पर सिचुएशन आ जाती है, प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है कि इंटरनेट हमारा स्लो चलता रहता है। तो हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, या दोस्तों यहां पर हम जब अपना फ्लाइट मोड को ऑन करके यहां से हम जो है वो इसको क्लिक करते हैं और दोबारा से दोस्तों यहां पर जब हम अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट पे हम क्लिक करती हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये जो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, तो इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आई। अब यहां पर दोस्तों सेलेक्ट और ऐड ए फोन नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर तो दोस्तों उसकी फेसबुक आईडी पे कोई मोबाइल नंबर सेलेक्ट है तो आपको ऊपर शो कर दिया जाएगा, अगर वो भी यहां पर सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको ऐड फोन नंबर का ऑप्शन तो जरूर देखने को मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे और यहां पर दोस्तों आपको अगला पेज दिया जाएगा कि ऐड फोन नंबर, और वो फोन नंबर आपने देना है जो आपने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर दिया था, यानी कि जो पुराना जिसका जो लॉगिन आप नहीं कर पा रहे हो वो यहां पर आपने इंटर कर देना है। मान लो मेरे पास यहां पर कोई भी फोन नंबर है, या मान लो मैंने उसके ऊपर दिया था और वही नंबर यहां पर जो हम टाइप कर देते हैं। सो यहां पर हम जो उसको नंबर को यहां पर टाइप करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे यहां पर हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हमारे पास अगला पेज आ जाएगा। अब यहां पर हमें जो है वो यहां पर इंटर कोड का कहा जा रहा, हमारे पास इसके ऊपर कोड आ जाएगा, हमने कॉपी करना है और यहां पर हमें जो है वो इंटर कर देना है और यहां पर दोस्तों हमें जो है यहां पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहां पर मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। अब यहां पर मान लो दोस्तों यहां पर हम जो है वो कोड यहां पर जो हम पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास कोड आया और यहां से हम जो है वो इसको कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप पर हमें लगता है देखने को मिला है, तो यहां पर दोस्तों हमें जो है ये कोड देखने को मिला है, तो यहां
यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम जो है वो फेसबुक अकाउंट के ऊपर इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है अकाउंट ऐड हो जाएगा, मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा और जो दूसरा अकाउंट था वहाँ से दोस्तों जो आपका लॉगिन नहीं हो रहा था वहाँ से मोबाइल नंबर रिमूव हो जाएगा और इस फेसबुक अकाउंट के ऊपर लॉगिन हो जाएगा। और वहाँ पर दोस्तों जैसे जाके आप उसको लॉगिन करोगे वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं देखने को मिलेगी। सो इस तरीके से दोस्तों आप लोग लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद इस अकाउंट से अपना नंबर रिमूव कर देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।